कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की हॉस्टल इंचार्ज पर लगे प्रताड़ना के आरोप। बता दें, तहसील चक्राता अंतर्गत कोरवा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की बालिकाओं का आरोप है कि हॉस्टल इंचार्ज बालिकाओं को प्रताड़ित करती है। वार्डन मैडम बालिकाओं के साथ मारपीट करती है, बालिकाओं के बैंक खातों से पैसे निकालकर अपने पास रख लेती है और बच्चों को कहा जाता है कि इसकी शिकायत परिजनों से ना करें। यदि कोई भी बालिका शिकायत करती है तो वार्डन मैम द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता है। साथ ही उन बालिकाओं का आरोप है कि खाने के मेन्यू में जितना लिखा है उसके मुताबिक कुछ भी नहीं मिलता है, जिस पर नवक्रांति स्वराज मोर्चा संगठन ने शिक्षा निदेशक उत्तराखंड को ज्ञापन सौंपा था, जिसके चलते शिक्षा निदेशक के आदेश पर खंड शिक्षा अधिकारी कालसी जांच अधिकारी के रूप में आवासीय विद्यालय पहुंचे, जहां की नवक्रांति कार्यकर्ता भी मौजूद थे। वहीं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में सर्वप्रथम सुबह विद्यालय की बालिका एवं अभिभावक SDM चक्राता से मिलकर उक्त प्रकरण में जांच कमेटी गठित करने की मांग की। वहीं प्रताड़ित बालिकाएं एवं अभिभावक का कहना है कि जब तक वार्डन को नहीं हटाया जाता है तब तक बालिकाएं विद्यालय नहीं आएंगी, उसके लिए चाहे उन्हें पढ़ाई क्यों ना छोड़नी पड़े। वहीं मौके पर मौजूद नवक्रांति सामाजिक संगठन रुद्रसेना संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट सभी ने उक्त प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही न होने पर DM एवं संबंधित विभाग के मंत्री के समक्ष जाने की बात कही। साथ ही चक्राता तहसील के तहसीलदार भी जांच पर पहुंचे। DCP न्यूज के संवाददाता ने वार्डन मैम से जानकारी लेनी चाहे तो उनका कहना है कि मैंने इस्तीफा लिख दिया है, जांच में जो भी सामने आएगा, लेकिन मैं आगे से यहां रहना नहीं चाहती। सहयोगी कैमरामैन के साथ संवाददाता रुद्र बहादुर थापा की रिपोर्ट, देहरादून चक्राता। नमस्कार, DCP न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अभी इस समय कोरवा में मौजूद हूँ और कस्तूरबा गांधी ये विद्यालय है, यहाँ पर जो है कुछ मामला हुआ है बच्चों को लेकर के, बच्चों से संबंधित कुछ मामला है। यहाँ पर काफी सारी संख्या में बच्चे भी आए हैं और यहाँ के उनके अभिभावक भी आए हैं और कुछ गाँव के लोग भी हैं। ये बच्चे हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ, आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जी आप अपना नाम बताओ बेटा। सर, मेरा नाम रंजू चौहान है, मैं कक्षा 8वीं की छात्र हूँ। सर, हमें यहाँ 3 साल हो चुके हैं। सर, 1 साल तक सर लॉकडाउन था। सर, पहले जब सर हम 6th में आए थे, सर हमें सुबह सुबह सर ग्राउंड में सफाई करने भेज दिया और सर जब सर शॉर्ट पानी की शॉर्ट पड़ती है सर हमने सर मैम को बहुत बार बोला है मैम हमें पानी के टैंकर मंगवाओ, पर मैम हमारे इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते। सर, हम उधर से पानी लाते हैं, किसी लड़कियों की हड्डी खींचती है, किसी के सर हाथ सोचते हैं और सर जब सर कुछ भी होता है अगर सर हम अपने यहाँ की शिकायत घर खोलते हैं तो सर हमें सर मारा पीटा जाता है। सर, एक लड़की थी यहाँ लवली दीदी, सर जब उनके नानक की डेथ हुई थी सर वो गांव गए और सर जब उन्होंने ये सारी यहाँ की सारी बातें अपने घर पे बोली तो सर जब वो यहाँ वापसी आई सर वो यहाँ पे ग्रिल के पास पहुँचे और उन्हें यहाँ मैम ने मारा पीटा। और एक आरुषि थी सर 7th क्लास की, सर वो यहाँ से उसे सर यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, सर वो यहाँ से भाग रही थी। सर, मैम को 1-2 बार सर प्यार से बात करनी चाहिए थी, सर उन्होंने प्यार से बात नहीं की, उन्होंने सर उसके बाल भी उखाड़े, उसको इतना मारा पीटा सर उसके नीचे वाले सर उसके सर और भी सूज जाते थे सर, बहुत मारा पीटा। जो सर उसके बैंक में खाते थे वो पैसे थे सर उसको मैं उसके बैंक के पास ले जाकर उसके पैसे मांग के मैम ने अपने पास रख दिया। सर, मेरा नाम स्नेहा तोमर है, मेरा गांव का नाम बिजो, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पोरा की छात्रा हूँ। मैं अपनी समस्या रखना चाहती हूँ। जब हम 6th में आए थे हमने बहुत सहन किया, मैम को मौके दिए बोलने के लिए, लेकिन हमने घर अपने पेरेंट्स के पास शिकायत नहीं किया। हम नहीं चाहते थे कि हम शिकायत करके हम अपने स्कूल की बदनामी करें, लेकिन स्कूल अपनी जगह और हमारे काम अपनी जगह। हमें मैम से अपनी शिकायत बोली, अगर जब इसका समस्या का हल ना कर पाए तो हमने अपने गार्जियनों से शिकायत कर दी और गार्जियन भी हमारे गार्जियन तो अगर हमारे गार्जियनों का साथ ना हो हमारे साथ तो हम किससे बात कर सकते। जो वार्डन मैम ने मुझे बहुत मारा, बुरी तरीके से मारा, मेरे बाल खींचे और मेरे बैंक से पैसे भी निकाले हैं और क्या हुआ? और क्या हुआ था आपके साथ? ऐसे कहा कि तेरे तो ये ड्रामे हैं ऐसे ही के और मैम ने मुझ बोल उसके बाद क्या हुआ?
उस यहाँ रह रही है तो हमारे बच्चे नहीं रह रहे हैं। यदि बच्चे मतलब मैडम जा रही है तो बच्चे आज ही रह जाएंगे। यदि आप लोग ये बोलते कि मैडम जा रही है तो बच्चे यहीं रहेंगे, भले बैग नहीं लाए, किताबें नहीं लाई, इनके घर पे पड़ी है, उनको हम कल सुबह छोड़ देंगे बेशक। शिकायत हमारे पे थी, हमने सोचा, मैं कहा चलो कोई बात नहीं है। हमारा कहना ये था यदि 75% मतलब शिकायत होती है ना तब भी हम मान जाते, और शिकायत कम 99% शिकायत है तो भाई इस चीज़ को कौन महसूस कर सकता है। देखो हमारे 50 बच्चे यहाँ पे, यदि हम मानते इस चीज़ को, यदि 50 में से इनके फेवर में 10 बच्चे होते ना तब भी हम मान लेते। अब बच्चे का अभाव तो आप देख ही रहे, बच्चे आप क्या बोल रहे हैं, आप सुबह से देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं। अब बच्चों के आधार पर चलो, आप हमारे को गार्जियन को भी छोड़ो, बच्चों के आधार पर जाओ आप लोग कि यदि बच्चे 10 होते ना इनके साथ तभी मान ले, चलो यार बच्चा हो सकता गलत बोल रहा होगा। देखो भाई जी उम्मीद हमारी तो ये है कि मैडम यहाँ से हट जाए, यदि कर सकते हो तो, नहीं तो इसके बाद हमारा ऑप्शन यही, बच्चे को हम घर ले जाएंगे, पढ़ेंगे तो घर पे ही है, नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं है, अनपढ़ ही रह जाए कोई बात नहीं है, और भी स्कूल है, यदि एडमिशन कर पाएंगे तो ठीक है। देखो हमारी करने की हिम्मत नहीं है, देखो हम मजदूर आदमी है, कोई शिमला काम करता है, कोई मतलब सोलन काम करता है, कोई मतलब क्या नाम है यही दिहाड़ी मजदूरी करता है। यदि मतलब हमारे पास पैसे होते हैं ना तो हम यहाँ पर एडमिशन नहीं कराते, हम भी कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ाते, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते कि हमारा बच्चा कोई मतलब शिक्षा मिल जाए, बड़ी अच्छी तरह शिक्षा मिल जाए। भाई हमने सोच ऐसे नहीं सोचा था कि ऐसे अभाव होंगे तब तो हम यहाँ पर एडमिशन नहीं करवाते। यहाँ क्या वो चार्ज छोड़ने का लेटर दे चुकी हूँ, ठीक है छोड़ दूंगी बहुत जल्दी इसको। लेकिन क्या अगर आप छोड़ने की बात करें तो इसका मतलब आप स्वीकार करते हैं जो उन्होंने आरोप लगाया? नहीं सर, आरोप तो सही नहीं, लेकिन अगर बच्चियों की इच्छा है कि हम तभी आएंगे जब वार्डन मैडम चेंज होंगी तो बिल्कुल मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले तो मैं डीसीपी न्यूज़ का धन्यवाद दूंगा कि आप लोग जो है सभी प्रकरणों में साथ रहते हैं। आज का जो प्रकरण है ये पिछले काफ़ी समय से चल रहा था। जो छात्राएँ थी हमारे संपर्क में थी, मुझे लगभग दर्जनों छात्राओं के फ़ोन आए अपनी जो है आप भी थी उन्होंने सुनाई, तो वो सारी विषय को लेके आज हमको भी कल विभाग से फ़ोन आया था कि आप लोगों की शिकायत है, आप लोगों को आना है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ का जो प्रकरण है सारी चीज़ों को देख के आज जो छात्राएं आई थी उनके बयान भी दर्ज हो गए हैं। उसके बाद जो है इन छात्राओं के बाद कुछ जो और छात्राएं हैं उनके बयान दर्ज होंगे, 2 तारीख का इन्होंने टाइम दिया है। तो शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी भी आज यहाँ पे पहुँचे थे, तो उम्मीद है इन्होंने 2 तारीख का टाइम बोला है कि हम 2 तारीख तक इसका निस्तारण कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि 2 तारीख तक इसका निस्तारण हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो उच्च अधिकारियों से हम बात करेंगे, और बात करके हमें अगर आगे भी कार्रवाई करनी पड़ेगी तो आगे कार्रवाई करनी पड़ती है। देखो जो वार्डन है उसका रिजाइन से कोई वो नहीं है, जो उसने गलत किया है उसके लिए कमेटी बने, उसे सजा हो, उसके जितना भी यहाँ पे जो भी चाहे वो भ्रष्टाचार हुआ हो या चाहे उसने छात्रों के साथ जो है अभद्रता की हो, इसकी सबकी जांच होनी चाहिए, और जो जांच में तथ्य जो सामने आएंगे, जो सही तथ्य जो सामने आएंगे उसके अनुसार उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा देखिए ये बहुत ही एक असंवेदनशील कार्य है। आप सोचिए कि ये बालिकाएं जो ये स्कूल है ये 6 to 8 है, और इन बालिकाओं की जो उम्र है वो विकास की उम्र होती है, इसी समय अगर इनका मनोबल टूट गया तो ये कहीं ना कहीं इनके भविष्य पर असर डालती है, इसके दुर्गामी परिणाम हो सकते हैं। आप सोचिए कि ये बालिका इस स्कूल में जो यहाँ की वार्डन है या प्राचार्य हैं उनके द्वारा इतनी इनके साथ इतना निंदनीय व्यवहार किया गया कि इतना टूट चुकी कि इन्होंने स्कूल जाने से मना कर दिया। और जब हमें इस घटना का पता चला तो हम लोग सुबह इनके अभिभावकों के साथ सब लोग, हमें जब पता चला कि इस स्कूल का जो अध्यक्ष है वो SDM महोदय हैं, तो मैं SDM चक्रोता के पास गए, हमने उन्हें लिखित शिकायत दी, हमने कहा कि आप एक जांच कमेटी बनाइए, और जांच कमेटी में शिक्षा विभाग और आपके जो यहाँ का प्रशासन है तहसील प्रशासन उसके भी अधिकारी को नॉमिनेट करिए। तो SDM साहब ने जब वहाँ शिकायतें सुनी सभी लोगों के साथ, तो SDM साहब ने तत्काल एक कमेटी का गठन किया, और देखिए तत्काल कमेटी के गठन करने के बाद कालसी से BOB आई, तहसील प्रशासन से तहसीलदार भी आए, उन्होंने अभी सभी बच्चों के बयान लिए, और बयान लेकर मैडम ने अभी BO मैडम ने एक्सेप्ट भी किया कि एक दो केस जिसमें स्कूल के प्रशासन ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ ये ऐसी घटना हुई है। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है,
और उन्हें तो अपने स्वयं के विवेक पे ही इस्तीफा देने थे। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप ये खुद सोचिए कि आज के इस युग में संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल एक वो है जिसमें कहा गया है कि आप किसी बच्चे के साथ मैन हैंडलिंग नहीं कर सकते, मैन हैंडलिंग करना एक जुर्म है। तो वो तो अगर मैडम पे FIR दर्ज करा दें तो मैडम को तो कानूनी रूप से जेल जाना पड़ेगा। देखिए SDM महोदय ने, हमने उन्हें बताया कि आप ये सोच लीजिए कि बड़े मुश्किल से इनकी क्लासेस शुरू हुई है और 3 दिन से ये स्कूल नहीं गई है इस प्रकरण के बाद, और अभी भी अगर आप जांच में 10-15 दिन का समय लेंगे तो 10-15 दिन इनकी पढ़ाई फिर बाधित होगी। हमने कहा आप इसकी तत्काल जांच कीजिए, जितने कम से कम समय में संभव हो आप जांच कीजिए ताकि ये दोबारा स्कूल जा पाए बालिका। तो SDM साहब ने तत्काल एक्शन लिया और मुझे लिखे आप आज ही, आपके तहसीलदार को भी उन्होंने आज ही जाँच पर भेज दिया, BO को भी आज ही जाँच पर भेज दिया। तो मुझे लगता है कि SDM महोदय ने अपने तरफ से, लेकिन मेरी एक फिर मांग है कि जो इसमें दोषी पाए जाए उस पे एक्शन जरूर हो, अन्यथा ये कहीं ना कहीं फिर दूसरे स्कूल में घटनाएं घटेगी। इसका कुछ ना कुछ संदेश जाना चाहिए कि इतने लोग सामाजिक संगठन इकट्ठे हुए, गांव वाले इकट्ठे हुए और अन्य लोग भी इकट्ठे हुए, तो उसका कहीं ना कहीं मैसेज जाना चाहिए। एक जनजाति क्षेत्र ऐसे भी यहाँ के लोग कहीं ना कहीं अभी भी मुख्यधारा से दूर हैं। मैं आपको बताऊँ, जैसा भी मेरी बात हुई, तहसीलदार से भी बात हुई, BO से भी बात हुई, शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी से भी बात हुई, तो उनका कहना था कि वो 2 तारीख को, फिर उन्होंने बुलाया अभिभावकों को भी बालिकाओं को भी, और 2 तारीख को उन्होंने कहा कि हम जांच के सारे बिंदुओं पे, बच्चों की पासबुकों से संबंधित या अन्य शिकायतों से संबंधित जो भी आप एविडेंस लाइए। तो उन्होंने, जैसा मुझे उनका एक्शन लग रहा है तो मुझे लगता है इसमें देर होगी नहीं, और अगर देर हुई तो उसके लिए हमने कहा है कि हम SDM महोदय के कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठेंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी आने। और इसके बाद हम एक चीज़ और कह दें, अगर यहाँ से न्याय नहीं मिला हमें DM के यहाँ जाने को भी तैयार हैं, और DM के बाद जो उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं बाल विकास या इससे संबंधित जो मंत्री है उनके पास भी हम जाएंगे, और इन बालिकाओं को न्याय दिलाने के लिए हमें जिस हद तक भी जाना पड़े हम इसके लिए संघर्ष करेंगे, क्योंकि हम भी मानते हैं कि बालिका आज, बालिका सुरक्षा और बालिका की शिक्षा बहुत जरूरी है। धन्यवाद DCP न्यूज़ का, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से आप इस खबर को उठा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जो कि कोरवा में स्थित है, यहाँ पे करीब 50 से ज़्यादा छात्राएं रहती है जिनके साथ लगातार उत्पीड़न की खबर आ रही थी, जिसमें कई सारे संगठन यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं और कई मीडिया के सभी साथी भी उपस्थित हुए हैं। आज हम सबसे पहले SDM चक्राता के पास गए थे, उन्होंने एक जाँच कमेटी बनाई जिसके तत्काल विकास कालसी पूजा नेगी जी जो उप शिक्षा अधिकारी है और जो चक्राता तहसीलदार है, इन दोनों को जो है यहाँ पे जाँच कमेटी के रूप में भेजा है। अभी छोटी छोटी बच्चियों का भी बयान लिए गए हैं स्टाफ के और गार्जियनों के। निश्चित रूप से जो दोषी है उन दोषी को कड़ी सजा हो, और जो छोटी छोटी बालिकाएं जौनसार बावर की है जो अभी तक बोल भी नहीं पा रही है, जो 6ठी में है, 7वीं में है, जिनको ये नहीं पता कि हम कौन हैं, उनको इस तरीके की हरेसमेंट यदि किया जा रहा है, मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। जौनसार बावर इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है, और यदि कोई बाहर की वार्डन या कोई स्टाफ यदि ये सोचे कि हम इन बच्चों को कमरे में बंद करके अंदर बंद करके इस तरीके मारने पीटने का काम करेंगे तो होश में रहिए। जौनसार बावर इतना रोया हुआ नहीं है, ना मरा हुआ है, ना सोया हुआ है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जौनसार बावर की समस्त महिलाएं रोड पे आकर मुंह काला करने के काम करेगी, और यदि रहना है तो शिक्षिका और शिक्षक एक भगवान का रूप है, आप वो स्तर बना के रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अभी तक जितनी बच्चों ने हमें जवाब दिया है, जो बड़ी बच्चियां हैं, बड़ी बच्चियों ने कहा है कि हमारे, कुछ बच्चियों ने कहा है आरुषि चौहान नामक जो बच्ची है उसके साथ अभद्रता हुई थी, उस स्टाफ से भी हमने पूछ लिया, स्टाफ ने भी एक्सेप्ट किया है, लेकिन फिर भी जो अन्य बातें हैं, जो बच्चों को सामान मिलता है, जो बच्चों को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, उसमें SPO की टीम भी आई थी, उसमें ये भी जाँच करने की ज़रूरत है कि कितना पैसा किस मद में आता है, क्या उस मद में वो पैसा खर्च हुआ है नहीं हुआ है, वो भी देखने वाली बात है ना। उसमें हम अचानक से फैसला नहीं ले सकते जब तक हम पासबुक नहीं देखेंगे। अभी हमने बच्चों की पासबुक देखी है, बच्चों ने कहा है कि पैसे निकले हैं, तो अभी पासबुक हमने देखी है, कुछ पासबुक अपडेट नहीं है, तो अब कैसे हम जवाब दे दें उस विषय में ना। कैसे देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात आप कर रहे हैं, हम खुद बेटी हैं, हम खुद जानते हैं बच्चियों की सुरक्षा कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जब तक अभी पेरेंट्स का ये कहना है कि हम अपनी बच्चियों को तब तक यहाँ पर नहीं भेजेंगे जब तक हमारी बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा कोई नहीं लेगा, तो तब तक हम भी बच्चों पर और उनके पेरेंट्स पर दबाव नहीं डालेंगे। बच्चों पर पहला उनके माता पिता का है, उनके अभिभावकों का है, तो जब तक तहसीलदार साहब भी यहाँ पर हैं,
अभी हम लोग शीघ्र ही, जैसे ही कल परसों जिस भी दिन होता है, बच्चियाँ भी आ जाएंगी पुनः, और हम लोग जो बच्चियाँ शेष रह गई हैं उनसे भी बयान ले लेंगे। जो बच्चियाँ, जिन बच्चों से पूछताछ हो गई उनको बार बार हम परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों को भी मानसिक रूप से असर पड़ता है बच्चों पर। लेकिन जो बच्चियाँ नहीं आई हैं उन्हें हम ज़रूर बुलाएंगे। और अभी मंगाई हैं, जब पूरा मामला हो गया, पहले आप भी देख रहे हैं बच्चियाँ हमारे पास कितने बजे तक थी, उसके बाद हमने पासबुक मंगाई। पासबुक जब हमने मंगाई तो 7:20 हो चुके थे, बैंक बंद हो चुके हैं। हमने संपर्क करने की कोशिश करी, बैंक बंद हो चुके हैं। तो आप भी जानते हैं, कल मॉर्निंग में पासबुक के संबंध में भी सारी जानकारी ले ली जाएंगी और उनसे आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। मुश्किल से स्कूल खुले हैं, हम भी चाहते हैं कि बच्चों का एक भी दिन वेस्ट ना हो। हमें भी पता है एक एक दिन बहुत कीमती है। स्कूल में भी पढ़ाई हो रही है, आपके हॉस्टल में भी अनुदेशिकाएं पढ़ाती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। हम भी नहीं चाहते हैं बच्चों के नुकसान हो। कभी मेरे संज्ञान में नहीं आया, इवन हमने बच्चों से भी बोला, बच्चों ने भी ये कहा है कि हमने कभी ये मैटर कभी किसी से नहीं बोला। बच्चों ने भी एक्सेप्ट किया है। तो जब बच्चों ने नहीं बोला, किसी ने हमारे सामने कभी नहीं बोला, तो हमको स्वतः संज्ञान हम कहाँ से ले पाएंगे ना। जब आज मामला उठा तभी हम लोग यहाँ पे सब एकत्र हुए हैं, जब मामला संज्ञान में आया सभी थे। तहसीलदार साहब सामने खड़े हैं, आप दोनों लोगों से पूछ लीजिए, मैं रेडी हूँ जब उनको समय हो। मैं अभी जा ही रहा था इसी मामले में, अभी आज ही मुझे ये SDM साहब ने आदेश दिया है कि आप जो है वहाँ जाके देखिए और क्या क्या मामला। मैंने अभी किसी बच्चों का बयान नहीं लिया, मैंने केवल मैडम से पूछा है। और मैं जिस दिन मैडम और हम लोग बीओ मैडम आ करके जिस दिन वो बोलेंगे उस दिन हम जांच करके पूरी विस्तृत रिपोर्ट करके जांच करेंगे। आज क्या है, 2 तारीख का, ठीक है, 2 तारीख का कर दी, ठीक है, हम 2 तारीख उम्मीद करें कि आप 2 तारीख को अच्छा विभाग वाले बता सकते हैं वार्डन को चेंज करें, या मैं भी ये चाहूँगा कि वार्डन अगर चेंज हो जाए तो अच्छी बात है। बहुत ही सोचने का विषय है कि ऐसे में बच्चे, वास्तव में बच्चे अपने पीड़ा को बयां कर रहे हैं कि जिस तरह से बच्चों के साथ यहाँ पर जो है वार्डन के द्वारा जो व्यवहार हो रहा है उससे यह प्रतीत हुआ कि बच्चे बहुत व्यथित है। और बच्चों का कहना यह भी है कि बच्चे यदि वार्डन को चेंज किया जाए, यदि वार्डन को चेंज नहीं करते हैं तो हम इस विद्यालय में हम पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे में सोचने का विषय है, ये देश का भविष्य है, ये मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चियां हैं, और ऐसे में इन बच्चियों का भविष्य है, और ऐसे में इन बच्चियों के पीड़ा को आप समझ सकते हैं। जिस तरह से मेनू के अनुसार यहाँ पर खाना भी नहीं दिया जाता, इनको दूर दूर से पानी ढोना पड़ता है, और किसी कभी भी इनकी तबीयत खराब हो जाए, किसी के हाथ कभी कहने, इन बच्चों का कहना है कि हाथ भी इनके हाथों में भी बहुत प्रॉब्लम हुई है, ठंड के समय में इनको वहां पानी लेने के लिए भेजा जाता है। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि इन बच्चों के भविष्य के लिए किस तरह के जो है जो विद्यालय खोले गए हैं, और वही विद्यालय अगर इनका जो भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है, अगर इनको गलत राह पे इनको जो है टॉर्चर किया जाता है, तो आने वाले समय में ये सरकार को भी देखना होगा, और हमारे जो आसपास के समाज हैं और खास करके जो अभिभावक है जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनको भी जागरूक होना होगा कि जिस बच्चे के भविष्य के लेकर के सपने सजे हैं, अगर वही सपना अगर पूरा नहीं होता तो ये बच्चे, इनका भविष्य कल कहां किस ओर जाएगा। मैं रुद्र बहादुर थापा, DCP News उत्तराखंड।